हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ऑप्शन रणनीति की। ऑप्शन रणनीति आज की जो स्ट्रेटजी है उस पर बातचीत करने के पहले हमने कल क्या किया था, क्या हुआ, हम उसका एक ओवरव्यू कर लें, फिर आज के लिए बात करते हैं। कल 12,200 का कॉल मैंने बाय करने का रिकमेंडेशन दिया था 120 के आसपास, उसकी क्लोजिंग हुई थी 105 की। टारगेट अचीव नहीं किया था, लॉस बुक करना पड़ा होगा आप लोगों को 1125 रुपये का, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा, और एक कॉल अपडेट की थी मैंने, 11700 का कॉल लेने कहा था 470 में, उसकी क्लोजिंग हुई थी 440 में, 440 का स्टॉप लॉस दिया था, उसमें भी आप लोगों को लॉस हुआ होगा। तो टोटल आप लोगों को लॉस हुआ है कल 3375 रुपये का। चिंता का विषय है ये लॉस। खैर, लॉस होता है, प्रॉफिट भी देता आ रहा हूँ, लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट भी करता आ रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ निफ्टी की चाल बताना चाहता हूँ, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी चल रही है 12,011, इसको नीचे इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहा है। आज का जो लो है वो इसका बहुत बेहतरीन, नहीं लो भी आपको डिस्कस, 11,963 का, 11,963 का, 960 और 950 का आप मान लीजिए, क्योंकि 10-5 पॉइंट ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाता है, तो 950-960 के आसपास का बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट को इसने आज मेंटेन कर लिया और 12,030 के ऊपर सस्टेन कर लिया, तो ये 12,030 को वापस से ब्रेक नहीं करेगा और ये जाएगा टुवर्ड्स हाई की तरफ, 12,090 को भी अगर ये कन्विंसिंगली ब्रेक कर लेता है तो इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 12,152 का, जो कि मेरा मैजिकल फिगर है। कल की वीडियो में आप लोगों को मैंने 162 का अपडेट किया था मैजिकल फिगर, अब वो मैजिकल फिगर 12,152 का हो गया है। तो 12,026 के 25-30 के बाद इसको हर्डल होगी हाई की 12,090 की। 12,090 की हर्डल को क्रॉस कर लेता है तो 12,152 का हर्डल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 30 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये 90 को भी ब्रेक करने के आसार बनाने लगेगा। ओवरऑल मैं मंदी इसीलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में मंदी की बातें हो रही हैं, वॉर हो गया है, और जब एक कश्ती बहुत ज़्यादा सवारी से बहुत ज़्यादा सवारी अगर उस कश्ती में बैठ जाती है तो उस सवारी के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर लोगों ने अपनी तेज़ी काट ली है और मंदी में बैठ गए हैं तो वो मंदी की कश्ती डूब सकती है। ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाजार इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कराता रहे, लोग अपनी शॉर्ट पोजिशन का प्रॉफिट बुक कर लें और फिर वो कश्ती वापस से, यानी अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो लोग उस कश्ती से उतर जाएंगे, और उस कश्ती से लोग उतर गए तो फिर ये बाज़ार घुस सकता है। अगर ये बाज़ार घुसता है तो ये बहुत बुरा टूट सकता है, इसीलिए आप लोगों को रहना है अलर्ट। मैं एक अगर ये पुलबैक देना चालू कर देता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसका फाइनल ब्रेकआउट जो होगा वो 12,220। अगर ये 12,220 को क्रॉस कर देता है तो आप समझ लीजिए ये 12,600 तक चला जाएगा, 12,600। तो जब भी 12,220 को ये ब्रेक करता है अपसाइड में तो आप शॉर्ट पोजीशन कैरी मत करिएगा, और बिंदास बिना मेरे से पूछे आप 12,220 के ऊपर बाय पोजीशन इनिशिएट करिएगा और स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा उसका मैजिकल फिगर का जो होता है 150। हालांकि मैं आप लोगों को उसके बहुत पहले ही एक बहुत बढ़िया सौदा, अगर वो बाय साइड में बनता है तो वो बाय साइड का अपडेट कर दूंगा, अगर वो सेल साइड का बनता है तो मैं आप लोगों को सेल साइड का अपडेट कर दूंगा। बने रहिए मेरे साथ निफ्टी के लिए, निफ्टी में दिलाऊंगा 300 से 400 पॉइंट तक की मूवमेंट, कोशिश करूंगा। बजट का टाइम आने वाला है, सारे क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, मज़ा आएगा अभी कामकाज करने में। थोड़ा सा अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बाजार से दूर रखूँ जब तक अनसर्टेनिटी है, बाकी मैंने अपना माइंडसेट तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही लिया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी 12,800 का 12,800 का सी 30 जनवरी की एक्सपायरी का चल रहा है 308 रुपीस, इसको 308 300 और 300 अभी 306 चल रहा है,
300 और 306, 308, 310 वीडियो अपलोड करते करते और आप लोगों को सुनते हुए कभी 10-5 मिनट लेट भी हो जाता है, तो 300 और 310 के बीच में इसको बाय इनिशिएट करिए। जहाँ पर भी आप लोगों का बाय इनिशिएट होता है वहाँ से 16 पॉइंट ऊपर इसका सेलिंग लेवल लगा दीजिए। आशा करता हूँ आज आप लोगों को इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, वरना आप लोगों को कॉल की पोजीशन, कॉल और पुट की पोजीशन जो भी आप लोगों को सजेस्ट होती है उसको इंट्राडे में काटना होता है। हालांकि हम फुल मार्जिन देके काम करते हैं, लेकिन जैसा आप लोग इसको इंट्राडे में क्यों हम कंसिडर करते हैं उसकी आप लोगों को वजह बता दूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है, वैसे वैसे इसके प्रीमियम ज़ीरो होते जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी आप लोगों को देखने मिलेगा कि 12,000 की अगर आप लोगों ने कॉल बाय करी हुई है और 12,000 की ही निफ्टी चल रही है और वो आप जब एक्सपायरी से बहुत टाइम पहले लेंगे तो उसका प्रीमियम चलता रहता है 100 रुपये, बाज़ार का भाव 12,000 रुपये ही रहेगा, लेकिन जब एक्सपायरी के 8-10 दिन नज़दीक आने लग जाएगा और जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती जाएगी वैसे वैसे निफ्टी 12,000 पे ही खड़ी रहेगी और प्रीमियम इसका ज़ीरो होता चला जाएगा, ज़ीरो यानी टूवर्ड्स प्रीमियम माइनस होता चला जाएगा। तो हो सकता है कि अगर 12,000 की एक्सपायरी होती है तो 100 रुपये का प्रीमियम जो 20 दिन पहले आप लोगों को 100 रुपये चल रहा था, 12,000 का सी का 100 रुपये प्रीमियम चल रहा था, वो 12,000 की एक्सपायरी होने पर वो ज़ीरो भी हो जाए और धीरे धीरे ये स्पॉट प्राइस से इसको मैच कर देते हैं। तो आज की कॉल आप लोगों को क्लियर एंड लाउड है, 11,800 की निफ्टी अभी चल रही है 306 के बीच में इसको बाय इनिशिएट कर सकते हैं और आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना होता है 16 पॉइंट ऊपर। तो ये है आज की रणनीति, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो मेरी बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके कर सकें भरपूर मुनाफा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।